हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं दोस्तों मैं बहुत दिनों से काम के चक्कर में था, काम कुछ ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से मैं आपसे एक अपडेट नहीं दे पाया। तो अब फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए अपडेट लेके आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ा अभी काम थोड़ा ज़्यादा है, इसी चक्कर में थोड़ा कम अपडेट दे पाऊंगा, लेकिन अपने तरफ से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को नया नया अपडेट देने के लिए। तो इस वीडियो में टोटल 5 न्यू वेबसाइट का अपडेट आप सभी को देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ अपने छोटे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा आप पूरा सोशल कैंड तक देखिएगा, ताकि आपको जावे कोई मिस ना हो, और घंटी पर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वेबसाइट के बारे में। तो नॉर्मल वेबसाइट में हम बात करने वाले पहदा सीएनसीस के बारे में। इसका ट्रेलर मैं देख लिया, ट्रेलर देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शादी होती है, जैसा कि हमने पहदा सीजन 1 में दिखाया था कि इन दोनों की शादी होती है और ये हमें इनका सीन दिखाया जाता है। तो इसमें जो ससुर जो होते हैं वो भाई साहब, पहले पहदा सीजन 1 में ये ससुर होते हैं और इनका हमें सीन दिखाया जाता है। तो हम सीजन 6 में हमें इनका सीन दिखाया गया, मतलब ये ससुर जी बने, तो हमें इन दोनों की कहानी दिखाई जाएगी। और ट्रेलर में दिखाया जाता है कि जो पहली बहू जो होती है अपने ससुर से बोलती है कि देवा की शादी हुई तो मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। तो ये जो होते हैं, जो ससुर बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारा थकान दूर करता हूँ, और आप सभी को पता है कि थकान किस तरह दूर करेंगे, और ये दो आपस में अक्सर बासा करते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इनके जो दूसरा बेटा जो होता है, इनका सीन दिखाया जाता है, और दूसरी बहू का कि जो दूसरी बहू जो होती है उसका हस्बैंड जाता है काम करने के लिए, इसको कहता अपना ख्याल रखना, बोलते ठीक है। ये जो दूसरी बीवी होती है भाई साहब, इनकी दूसरी बहू जो होती है इसको इन पर नज़र होती है, मतलब सोचता कि भाई साहब बड़ी बहू के मजे ले लिए तो हम भाई छोटे बहू के मजे लेंगे। तो उसके चक्कर में ये हम भाई साहब बैठा रहता है, तो इसकी बड़ी बहू जो होती है वो आती है और बोलती है मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। तो ये भाई साहब इसका थकान दूर करने के लिए इसके बाद आता है, और आप सभी को पता है ये थकान दूर किस तरह से करेंगे। और यहाँ पे ये लोग आपस में अक्सर बात करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमें ये इन दोनों का प्यार करते हैं सीन। ये छोटी बहू देख लेती है और बोलती है आप लोगों को शर्म नहीं आती है इसे करते हुए। छोटी बहू जो दोस्तों वो है प्रियंका चौरसिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये इसको बनाते हैं कि तुम्हें भी ये मेरे साथ ये सब करना पड़ेगा, और तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ये सब हमारे यहाँ का रिवाज है। तो ये जो होती है छोटी बहू, ये मना करती है कि मैं इसे काम नहीं करूँगी और ये सब मुझे बहुत बेकार लगता है। यही हमें सीन में दिखाया जाता है, मतलब बिल्कुल सेम उसी तरह कहानी जैसे पहेदा 1 में होता था, बिल्कुल सेम उसी तरह कहानी दिखाया गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये जो बबीता दुबे जो होती है इसकी पहली बहू जो होती है इसको बोलता है कि मुझे छोटी बहू चाहिए, मुझे कैसे हो गया छोटी बहू ला के दो। ये बात अपनी बड़ी बहू को बोलता है, जो उसकी बड़ी बहू बबीता दुबे होती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दीपक दत्ता, तो मतलब ये दीपक दत्ता ये का सीन हमें दिखाया जाता है, और ये अपनी बहू को बुलाता है कि बहू इधर आओ। इसके बुलाने के बाद हमें दिखाया जाता है सीन में, अगले सीन में दिखाया जाता है साना खत्री को अगले सीन में दिखाया जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि दोनों उसके पास जाते होंगे और उसको बताते होंगे प्रियंका चौरसिया को हमारे यहाँ का रिवाज है और तुमको भी ये सब करना होगा। तो हमें ऐसा लगता है इन दोनों का अगले सीन में दिखाया जाता है, बताते होंगे कि हमें ये सब करना पड़ता है, यहाँ का ये रिवाज है, तो ये इसको मनाते होंगे शायद। अगर बात को इस वेबसाइट की रिलीज डेट के बारे में, तो ये वेबसाइट आप सभी को इसी फ्राइडे को देखने को मिलेगी 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई का आप जाके इस वेबसाइट को देख सकते हैं, और ये आप पोस्टर में देख सकते हैं दीपक दत्ता है, बबीता दुबे है, साना खत्री है और प्रियंका चौरसिया, ये तीनों का इसमें काम है। अगर मैं बात को ये आपको किस OTT पर देखने मिलेगी, तो ये आप सभी को बिग प्ले ऐप पर देखने मिलेगा। अब हम बात करते हैं अनकट वेबसाइट के बारे में। तो अनकट वेबसाइट में एक बिंदु ठाकुर की वेबसाइट जो कि रिलीज हो चुकी है वो मैं देखी है, देखने मुझे अच्छी लगी। इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों मस्तानी सब्बो, या मस्तानी सब्बो के नाम से ये वेबसाइट है, और ये आपको 100 हिट पर देखो मिलेगी। देखने में ठीक ठाक ही लगी थी, और उतना खाद लेके लगा रहता है इसमें, थोड़ा कुछ ज़्यादा मोटी दिखा दिया बिंदु ठाकुर को। इसके साथ साथ एक और वेबसाइट इनकी रिलीज होने वाली, इसका नाम है मून लाइट, और ये वेबसाइट आप सभी को न्यू नेक्स्ट पर देखो मिलेगी। रिलीज डेट की बात करें तो अभी ये कमिंग सून पे ही है, जैसे ही कोई डेट का अपडेट मिलता है तो मैं आपसे को अपडेट दे दूंगा। इसके साथ साथ अलका राज की एक वेबसाइट जो कि आप सभी को देखो मिलेगी, इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों ठुमका, जी हाँ ठुमका का एपिसोड 2 आप सभी को आज देखो मिलेगा। देख सकते हैं आप पोस्टर में ठुमका एपिसोड 2, और ये 16 जुलाई का आप सभी को देखो मिलेगा आज के डेट पर, वही मूडेक्स पे। तो मूडेक्स पे जाकर आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। इसी के साथ दो और वेबसाइट लीज हो रही है दोस्तों। इस दोनों वेबसाइट में काम करने वाले एक्टर की बात करें तो हमें 23वीं प्रभाग देखो मिलेगी। पहला है किलिंग अट्रैक्शन, ये वेबसाइट आप सभी को 100 न्यू नक्स पर देखो मिलेगी, लेकिन लीड डेट की बात करें तो अभी लीड डेट का कोई अपडेट नहीं आया है। इसी के साथ साथ एक और वेबसाइट है जिसका नाम है स्टार्लिंग ब्यूटी, ये भी आपको अनकट देखो मिलेगी, जिसके 23वीं प्रभाग देखो मिलेगी, ये भी आपको न्यू नक्स पर देखो मिलेगी। लीड डेट की बात करो तो अभी इसका भी कोई लीड डेट का अपडेट नहीं आया है। इसी के साथ साथ एक और वेबसाइट आने वाले दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है पलंग तोर हनीमून, और हमें लगता है ये दोनों के इसके साथ हनीमून मनाएंगे और यही हमें देखो मिलेगा, और ये वैसे आप इसको 100 हिट पर देखो मिलेगी। री डेट की बात करूँ तो अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, जैसे कोई री डेट का अपडेट मिलता है तो मैं आपसे को अपडेट दे दूंगा।
तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अब हम आपसे किसी और नए वैश्विक अपडेट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।